हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक इज़ फाइन। तो वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। तो जिसका था इंतज़ार वही काम हुआ। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आजकल DJI ड्रोन्स को लॉन्च ना करते हुए बाकी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है, तो इन्होंने आज फिर लॉन्च कर दिया है DJI के एक और गिम्बल। दिस टाइम इट इज़ मोबाइल फ़ोन गिम्बल version 3, DJI Osmo Mobile version 3। काफ़ी कुछ पहले जैसा है उसमें, बट कुछ नई चीज़ें भी डाली हैं जो काफ़ी पसंद आई मुझे और काफ़ी पब्लिक को। तो वही चीज़ आपको बताने वाले हैं और पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपको पता लगेगा कि क्या है नया, इस क्या है खास इस नई गिम्बल में जो कि स्मार्टफोन के लिए DJI ने रिलीज़ की है आज, जिसका नाम है DJI Osmo Mobile 3। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको इसमें जो देखने को मिलेगा वो है सबसे नई चीज़ इसमें, इट फोल्ड्स। जैसे हर एक चीज़ में ड्रोन्स में स्पार्क के बाद मैविक एयर फोल्डिंग आया, तो फोल्डिंग जब चीज़ आ जाती है तो कॉम्पैक्ट हो जाती है और इजी टू कैरी हो जाती है। तो वो चीज़ करने के लिए DJI हमेशा आगे रहता है कि चीज़ को बेटर तरह से कॉम्पैक्ट किया जाए, लेकिन यूज़फुल ज़्यादा बनाया जाए। मतलब छोटे से छोटे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाली चीज़ और आसानी से पैक होने वाली, आसानी से रखने वाली चीज़ DJI हमेशा बनाने की कोशिश करता है अपने प्रोडक्ट्स में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए DJI ने Osmo Mobile 3 में उसको कॉम्पैक्ट बनाने के लिए उसको फोल्डेबल कर दिया है, जिससे वो इजी टू कैरी, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो गई है। और इसके अलावा आपको कुछ इसमें खास फीचर्स मिलेंगे जो कि अभी Ronin SC में आया था, एक्टिव ट्रैक 3। जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है, मतलब सब्जेक्ट्स को ट्रैक करने के लिए वो आपको इसमें मिलेगा। दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रैकिंग फीचर्स पहले भी थे, लेकिन जितने रिव्यूज़ अब आ रहे हैं यूट्यूबर्स के, इनके पास सैम्पल गया था तो वो बता रहे हैं कि इसकी ट्रैकिंग और इसकी जो स्मूथनेस है काफ़ी बढ़िया है कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल्स। तो ट्रैकिंग वाला एक्टिव ट्रैक 3 Ronin SC वाला ही इसमें है वर्जन, तो दैट इज़ वेरी ग्रेट। एक इसमें एडिशनल मोड जो कि जैसे उसमें था Ronin SC में, FPV मोड जैसे होता है फर्स्ट पर्सन व्यू जो होता है, जैसे हम ड्रोन्स की बात करते हैं जैसे जैसे वो जाता है हम देख सकते हैं, तो उसमें ये इन्होंने गिम्बल में डाल दिया और ये Osmo Mobile 3 में है। और उससे होगा क्या, जब आप FPV मोड में शूटिंग करेंगे वीडियोस की तब वो एकदम आपको फॉलो करेगा आपके हैंड गेस्चर्स को, उसके अलावा वो रोटेट भी करता है, तो उससे अच्छा बहुत ही बढ़िया FPV जैसा इफेक्ट्स आते हैं वीडियोस के अंदर। तो वो देखने में, मतलब अपनी क्रिएटिवनेस आपने लगानी है तो वो लगाई जाए तो बहुत बढ़िया वीडियोस बन सकते हैं क्रिएटिव टाइप के, FPV वीडियोस बनाने के लिए। तो FPV फीचर दूसरा नया फीचर है इसमें जो DJI ने इसमें डाल दिया है। बाकी एर्गोनॉमिक्स इसके काफ़ी बेहतर बताए जा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अर्लियर मॉडल्स, कि हाथ में मतलब जो शेप है इसकी कर्वेचर काफ़ी अच्छा सा है, मतलब आपके काफ़ी आपको फ्रेंडली लगता है, मतलब एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं इसके। नंबर 4 इसमें फीचर आपको बताया गया कि वो ट्रिगर बटन लगाया गया इसमें, जो काफ़ी लोगों को पसंद है और काफ़ी यूज़फुल होता है गिम्बल्स में। और उस ट्रिगर मोड्स के काफ़ी सेटिंग से 2-3 बार पुश करने से या 1-2 बार पुश करने से वो मोड्स चेंज कर लेता है। गिम्बल मतलब अगर फ्रंट मोड में है तो बैक में रियर में चला जाएगा, रियर में है तो फ्रंट में चला जाएगा, और एक क्लिक ऑफ बटन से पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में आ जाएगा फ़ोन। तो ये चीज़ें पहले नहीं थे गिम्बल में, वो इन्होंने इसमें डाली हैं। और एक और चीज़ इसमें डाली गई है कि वो आप कह सकते हैं कि इसको बैलेंस करना पिछले जो वर्जन हैं Mobile 1 और Mobile 2 के मुकाबले ईजी है। इसमें बेसिकली आपको जो नीचे सेंटर जहाँ पर प्लेट लगी हुई है वहाँ पे कर्व बने हुए एंगल जहाँ पे फ़ोन फिट होता है, बस वहाँ पे आपने देखना है कि DJI आपका सीधा रहे। अगर आपने वो उल्टे में लगा दिया तो आपका फ़ोन उल्टा हो जाएगा, दैट्स इट। बस वहाँ पर आपने उसको बस सेंटर में रखना कि फ़ोन आपका डोले मत, बिल्कुल उसको उनके बीच में, पहले पूरा उसको लटका के करना पड़ता था बैलेंस पिछले वर्जन्स में।
तो उसके स्क्रू वगैरह भी ढीले ढूले करने पड़ते थे, तब वो बैलेंस हो जाता था तो वो फिक्स हो जाता था। तो जब भी फिर आपने फ़ोन लगाया तो आप रेडी हैं उसके लिए। पर इसमें क्या है, इसमें दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। इसमें क्या मिलेगा आपको, उन दो एंगल के बीच में जब आपने फ़ोन सेंटर में लगा के फिक्स कर लिया, एक बार शूटिंग कर ली और फिर ऑफ करके फ़ोन निकाल लिया, अब आपको दोबारा शूटिंग करनी है तो दोबारा से उन एंगल के बीच में उसको फिर से सेट करना पड़ेगा। मतलब सेट करना आसान है लेकिन करना बार बार पड़ेगा DJI Osmo Mobile 3 में। आप इसको पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव ले सकते हो। पॉजिटिव से लेते हो कि बार बार आप कर रहे हैं, ईजी है तो कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैलेंसिंग बहुत ईजी है तो बार बार करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर आपको बार बार बैलेंसिंग करना पसंद नहीं है तब आपके लिए नेगेटिव है, क्योंकि जो पिछले वर्जन्स थे उसमें बस आपको एक बार मेहनत करनी है, एक बार आपने वो स्क्रू सेट करके अपना फ़ोन बैलेंस कर लिया तब आप फ़ोन जितनी मर्ज़ी बार उसमें से निकाल लिए, जितनी मर्ज़ी बार उसमें डालिए, क्योंकि स्क्रूज उसके फिक्स्ड हैं उस फ़ोन के लिए, तो आपको बैलेंसिंग बार बार नहीं करनी पड़ेगी। तो ये इसमें एक आपको मैंने फीचर बताया जो कि रिव्यूज़ से और काफ़ी जगह से स्टडी रिसर्च के बाद पता लगा है। और बाकी ऑल एंड ऑल इट इज़ अ वेरी ग्रेट गिम्बल, एंड गेस्चर्स मोड, गेस्चर्स भी लाने की कोशिश करता है। आई एम नॉट फैन ऑफ गेस्चर्स, क्योंकि गेस्चर्स आर नॉट ऑलवेज उस तरह से आपका नहीं करते हैं कंट्रोल, तो आई एम नॉट फैन ऑफ गेस्चर्स। पर जिनको गेस्चर्स पसंद हैं ऐसे करके या वैसे करके ये वीडियो रिकॉर्डिंग या फोटो वगैरह ले लेगा, तो कईयों को लगता है फैंसी तो उनके लिए अच्छा होगा। तो गेस्चर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन न्यू इन दिस वर्जन ऑफ DJI Osmo Mobile 3। और बस सबसे बढ़िया तो है कि कॉम्पैक्ट हो गया एंड ईजी टू बैलेंस है, एंड स्मूथनेस इसकी कह रहे हैं कि पहले से थोड़ी सी बेटर है। बाकी आपको पैरानॉर्मा, मोशन हाइपरलैप्स, टाइम लैप्स, ये सब बेसिक फीचर्स जो पहले वाले जनरेशन में थे वो तो इसमें मिलेंगे ही। तो ऑल एंड ऑल इट्स अ वेरी नाइस गिम्बल। तो फोल्डेबल है, पोर्टेबल है, स्टोरी मोड इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर, इसमें आप इंस्टाग्राम की स्टोरीज वगैरह डाल सकते हैं, उसमें अपने आप ऑटोमेटिक वीडियोज़ बन जाएंगे। गेस्चर कंट्रोल मैंने आपको बता दिया, एक्टिव ट्रैक 3 है इसमें, स्पोर्ट मोड है इसमें, बहुत ज़बरदस्त तरह से फास्ट मूवमेंट्स को ये रिकॉर्ड कर पाएंगे। एंड प्राइस इज $100, $120। तो प्राइस पॉइंट भी हमारे को पहले वाली गिम्बल्स मिल रही हैं, ऑलमोस्ट ज़्यादा महंगी नहीं है, उसी प्राइस टैग में, प्राइस को ना बढ़ाते हुए इम्प्रूवमेंट्स करी हैं DJI ने, सो दैट्स अ गुड थिंग। पर इंडिया में इनिशियली थोड़ी महंगी मिलेगी, बट लेटर ऑन एक दो महीने बाद जैसे बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स आए हैं DJI के, वो अपने आप ड्रोन्स को छोड़ के वो सब नीचे आ जाते हैं धीरे धीरे। तो ये था DJI Osmo Mobile 3। आप बताइए आपको क्या क्या अच्छा लगा इसमें और क्या क्या अच्छा नहीं लगा। तो ऑल अराउंड मैंने सारे आपको पॉइंट्स के बता दिए हैं, सिर्फ एक बैलेंसिंग वाला पॉइंट को छोड़ के कईयों को अच्छा लग सकता है, कईयों को वो बुरा भी लग सकता है। बाकी इट्स अ गुड कॉम्पैक्ट गिम्बल, आई लव कॉम्पैक्ट थिंग्स। तो मैं भी एक गिम्बल लेना वाला हूँ, तो मेरे को मालूम नहीं था कि ये Osmo Mobile 3 लॉन्च हो जाएगी, तो अब नाउ आई थिंक अगेन और आई मे बाय दिस एंड लेट्स सी, क्योंकि अब मुझे थोड़ा चैनल को और आगे लेके जाना है। तो जैसे ही अब ये बैन हटता है तो आई विल गो फॉर ड्रोन शॉट्स ऑल्सो, और सिनेमेटिक शॉट्स भी आपको देखने को मिलेंगे इस चैनल पे, क्योंकि अब इट्स हाई टाइम कि मुझे थोड़ा बूस्ट करना चाहिए चैनल को, सिल्वर बटन मुझे चाहिए एंड आपको भी और भी वैरायटी चाहिए। तो इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको DJI मतलब सिनेमेटिक जो मेरे क्रिएटिवनेस है वो भी आपको और देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी।